एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? ओके, ब्लॉग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग, तो अभी मॉर्निंग का हो गया है 10 और हम चले ससुराल की तरफ आज अकेले। और मेरा ये कुछ मैंने ये पहना है। कुछ लोग कहेंगे दुपट्टे को गले में ही डालना है तो क्यों डालती हैं आप, फैशन बहुत दिखाती हैं, लोगों के कमेंट आते हैं। हाँ, तो मैं फैशन ही दिखाती हूँ, जिसको जलना है वो जले, सर से पल्लू लेके ऐसे दिखाती हूँ। मैं अभी आपको पीछे भी आ रहा है, ऐसे ऐसे चलूँ ना, ऐसे दुल्हन बनके, है ना। तो मैं फैशन नहीं दिखा रही हूँ, मैं एक संस्कारी लड़की या संस्कारी बहू हूँ, ठीक है। और अच्छे गले में दुपट्टा डाल के चलूँ तो मैं फैशन दिखाती हूँ। मतलब यार कैसे कैसे लोगों की थिंकिंग है। तो क्यों जा रही हूँ, मैंने वहाँ पे आयदात निवास डाला था, उसके लिए जा रही हूँ लेने के लिए। फालतू में इतनी दूर जाना पड़ता है, क्या बताऊँ, जब वहीं से सब कुछ बनता है तो जाना पड़ेगा ही। और जब मेरा मतलब फाइनल किस लिए मैं भागम दौड़ क्या है, अनका के लिए मैं दौड़ रही हूँ, क्या बनवा रही हूँ, आखिर क्या किस चीज़ के लिए, जब वो फाइनली हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बताऊँगी, इससे पहले नहीं बताऊँगी। और फैशन की बात बता दूँ ना, अभी मेरे 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर होते, 50,000 लोग देखते, तो लोगों को मेरा दुपट्टा या मेरा मेरी लिपस्टिक या मेरा कुछ भी नहीं दिखता। तब ये दिखता दीदी बहुत ही स्ट्रांग है और दीदी के जैसा मुझे भी बनना है, यही होता है। जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर वो कुछ भी करे तो वो बहुत ही स्ट्रांग है, बाकी हम क्या लूजर हैं। स्ट्रांग हम लड़कियां हैं जो इतना संघर्ष कर रहे हैं अकेले, पीछे ना किसी का हाथ है ना किसी का साथ है, समझे। और अकेले ही अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश भी दे रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जिंदगी, अरे वो संघर्ष भरी दुनिया, सुहाना शुक्ला दी, ये सभी लोग हैं यार स्ट्रांग, इनको बोलते हैं, ना कि जिनके 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर हैं और पास पैसा भी है, फैमिली भी है, सब तरफ से उनके पास, वो स्ट्रांग होंगे आपकी नज़रों में, पर मेरी नज़रों में जो सिंगल मदर हैं अकेले अपनी ज़िंदगी को कैसे करके वो काट रही हैं, कितना स्ट्रगल कर रही हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं अपने बच्चों के लिए। चलो फिर चलते हैं ससुराल, देखते हैं, सब अपना सामान लेके वापस आना है। ओके, तो फैमिली हम ऑटो से जा रहे हैं मोहली। पिछली बार ऑटो से वापस आए थे, इस बार जा रहे हैं, क्योंकि साधन बड़ी मुश्किल से मिल रहा है मोहले जाने का। और खुली हवा में बढ़िया से आराम से ऑटो की 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा सा रास्ते का व्यू भी दिखाएंगे आप लोगों को, चलिए भी बने रहिए। तो यहाँ पे हम मोहली जा रहे हैं और ससुराल की तरफ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे अपना सामान ले, मतलब सामान क्या, मुझे अपने कागज़ लेके आने हैं। और काफ़ी दिन पहले मैं गई थी बनवाने के लिए, फिर नहीं बीच में जा पाई क्योंकि यार किराया बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन लाना तो है ही है, तो मैं जा रही हूँ, ज़रूरत है उस चीज़ की, तभी बनवाया था मैंने। और देख सकते हो व्यू कितना मस्त है ना मेरी ससुराल की तरफ का, बताना ज़रूर। तो मोहली गए और काफ़ी टाइम तक मुझे वहाँ पे बैठना पड़ा और फिर मेरे कागज़ मिल गए और हम आ गए सीतापुर। तो यहाँ पे काम है मुझे उन्हीं कागज़ का जो मैं लेके आई हूँ। फिर तो यहाँ से मैं उसी जगह पे जा रही हूँ, वहाँ का मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था। और फिर घर भी निकलना है, पूरा दिन हो गया है और बस सफ़र करते करते मुझे, और अभी हम वहीं जा रहे हैं जहां मुझे वो कागज़ सबमिट करने हैं, है ना। फिर जब सब कुछ हो जाएगा तब हम आपको ज़रूर बताएंगे
कि हम किस लिए दौड़ रहे थे, क्या था क्या नहीं था। और ससुराल जाने का यार यही रहता है, तो पता है बहुत मिस करती हूँ मैं वहाँ, उन रास्ते में जाके हर चीज़ याद आती रहती है। तुम समझ लो फिर पूरी मेरी रात मेरी ख़राब हो जाती, वही मैं आपको बता रही थी, पर इतना शोर शराबा होता है तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो वही सारी चीज़ें हैं गाइस, तकलीफ़ बहुत होती है जब हम ससुराल की साइड जाते हैं और अपने घर नहीं जा पाते हैं, और यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिर हम उस जगह से वापस आ गए, और बताना ये किधर का एरिया है। जितने लोग सीतापुर के होंगे उनको पता होगा कि ये एरिया किधर का है किधर का नहीं। तो चलिए फिर चलते हैं घर, और हम आप लोगों को मिलते हैं अभी थोड़ी सी देर में। ओके बनी रहिए। तो फैमिली गुड इवनिंग, रात का बज गया 8 और हम घर आ गए हैं, और घर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ पूजा है। और पता है हम गेट पे खट खट कर रहे हैं, अब पूजा ना टॉर्च लगा के हमको मेरा जब फेस देख ली है ना, तब जाके गेट ओपन करी है। हमने कहा वाह, सोचे थे मेरी बहन बुद्धू है, लेकिन मेरी बहन बुद्धू नहीं है, बड़ी होशियार है, पूरे घर को अकेले संभाल रही है। सब घर गए, पूरी रिश्तेदारी, वैसे हम भी जाते लेकिन हमारा काम था, सीतापुर जाना जरूरी था, और अनिका के लिए ही दौड़ रहे हैं। जब तक फाइनली हो नहीं जाता है तब तक हम नहीं बताएंगे। और अभी किसी का कमेंट आया कि दीदी आप सीतापुर आई थी, हमने आपको देखा, तो आपने देखा था तो आप क्यों नहीं बोली मुझसे, गलत बात है ना, कमेंट आपने किया और आप मेरे पास क्यों नहीं आई। हाँ मैं आई थी सीतापुर, और जरूरी काम के लिए ही आई थी। अब मुझे नहीं पता आपने मुझे कहाँ पे देखा, किसको देखा, अब ये तो नहीं पता। हाँ मैं सीतापुर आई थी। चलिए फिर वो सारे लोग रात में आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे, बुआ जी के वहां गए हुए हैं, और वैसे मैं भी जाती लेकिन काम पहले जरूरी है, बाद में है ना, मन तो मेरा भी कर रहा था कि बुआ के वहां जाने का, पर चलिए अभी पूजा को दिखा। तो यहाँ हम घर आने के बाद पूजा रूम में बैठी हुई हैं और फ़ोन चला रही हैं, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इनकी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती, इसलिए मेरा मन नहीं करता है रिकॉर्ड करने का। आप देख लो इनके फेस रिएक्शन देखो, बोल रही हैं वीडियो मेरा मत रिकॉर्ड करो, फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया। मुझे इसीलिए अच्छा नहीं लगता जब फैमिली में जब किसी का मन नहीं करता है कि मुझे दिखाओ, तो फिर मन नहीं करता है मैं शूट करूँ कुछ भी। देखे भाई तो शाला सुंदर मुंदर हो गया है, छुपा छुपा देखे इधर इधर, अल्ले ब्लॉग कैसा लगा सभी को मेरा, प्रेम भरा राधे राधे।